नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी बाबा रामदेव साहब ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है, हैरत में डाल दिया है। इन्होंने कहा है कि हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। आप लोग, मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं भी इनके सामान का यूज करता हूँ, टूथपेस्ट हो गया, ये हम लोग भी यूज करते हैं। लेकिन आप ही सोचिए कि ऐसा कोई भी देश इससे मुक्त नहीं है, कोरोना वायरस से सबको चपेट में ले लिया है। अरबों खरबों डॉलर करने वाली हमारी स्थिति स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या है, हम लोग बहुत नीचे हैं। अमेरिका को आप देख सकते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, चीन, सबकी खस्ता हालत हो चुकी है। वो कोरोना की दवाई अभी तक नहीं खोज पाए, लेकिन हमारे यहाँ के बाबा साहब ने ले आए। तो इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा, हो सकता है कि सही बात है, अगर सही है, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान ये दवाई करेगी, क्योंकि इसकी हर देश को जरूरत है। कोई भी व्यक्ति इसके लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि निकलना है इस विपत्ति से। तो मैं कहूंगा कि जब तक WHO की तरफ से वैधानिक तरीके से घोषणा नहीं हो जाती है, या फिर भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह से घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक आप कोई भी वैक्सीन का यूज मत करिएगा। कोई भी कुछ भी बोलता रहे, फिर चाहे आपके बाबा रामदेव साहब हो, आप लोग समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि आप लोग योग करिए, योग करिए, और आप योग में भी दे, वहाँ बाबा साहब ने व्यापार चालू कर दिया। आज के समय में आप खुद सोचिए, बाबा साहब सबसे बड़े व्यापारी हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है बात, कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि। और ये डॉक्टरों को कहना है, इसमें बुराई वाली कोई बात भी नहीं है, कि जो आपका वायरस रहता है, कोई भी वायरस रहा, तो 5 से 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 से 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाता है, चाहे आप वैक्सीन लीजिए या ना लीजिए, ठीक है। और जो उससे भयंकर पीड़ित हो जाते हैं, उनका हालत अलग बात हो जाती है। तो जो बाबा जी कह रहे हैं कि 3 दिन में वो 60% 69% तक ठीक मरीज हो जाते हैं उनकी दवाई से, और 7 दिन में 100% कवर हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए और हमारे लिए और हमारे देश के लिए, लेकिन मुझे अभी तक इस तरह की किसी भी पर भरोसा नहीं है। मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। इसलिए आप सोचिए कि हमारी हैसियत कुछ भी नहीं होगा अगर हम कई देशों से बहुत पीछे, हमारी स्थिति इस क्षेत्र में। जब आप सोच सकते हैं कि वैज्ञानिक लगे हुए हैं, चीन में आपका 2019 अक्टूबर नवंबर से चालू है, इस पर कई तरह के ट्रायल होते हैं, और आप सोचिए कि बाबा साहब 2 दिन में बोल देते हैं कि हमने ये कर दिया, यहाँ ट्रायल कर दिए। एक वैक्सीन को बाजार तक आने में कम से कम 18 से 20 महीने लगते हैं, कम से कम 18 से 20 महीने, यानी कि 2 साल तक, समझ रहे हैं आप लोग। 2 दिन का एक काम नहीं रहता है, और जो बाबा साहब दे रहे हैं आपको उसमें बुराई नहीं है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो अश्वगंधा होता है, जो आप देखते हैं कि इस तरह के जो भी प्रोडक्ट होते हैं आयुर्वेदिक, इससे नुकसान नहीं होता है, और आप समझ सकते हैं नुकसान नहीं होता है। 5 से 6 दिन आप खाओगे, आराम से सही हो जाएगा, और नाम हो जाएगा किसका, बाबा साहब का। तो आपको अभी नहीं लेना है जब तक कि पूरी वैधानिक तरीके से घोषणा नहीं हो जाती। योग और आयुर्वेद की सहायता से पतंजलि कंपनी ने कोरोना की कोरोनिल मेडिसिन बनाने का आश्वासन दिया है, लेकिन यह अन्य प्राधिकृत वर्ग में अनुमोदित नहीं हो पाई है। कोरोनिल, ये आपको नाम कैसा लग रहा है? कोरोनिल अंग्रेजी दवाई जैसा लग रहा है कि नहीं? और इन्होंने सबसे बड़ी बात एक प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ समझौता करके की है, तो भरोसा करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो प्राइवेट होते हैं वो फायदे के लिए काम करते हैं, समझ रहे हैं। अगर उन्हें जहां फायदा दिखेगा वो ज्यादा फायदा पर जोर देते हैं। और आप समझिए कि जब भारत सरकार, ये व्यापारी हैं, कितने बड़े व्यापारी हैं, जब भारत सरकार सक्सेस नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा दिमाग तो, मतलब मुझे लगता है कि मेरे अपने भारत की जनता बहुत सीधी है। कोई एक
कोई भी कुछ भी थमाए हम तुरंत थम जाते हैं, बहुत मतलब सीधे हैं, किसी ने किसी भी मोड़ मोड़ दिया किसी तरफ में, हम तुरंत मुड़ गए। इस मैसेज को आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से इतना सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया जा रहा है कि मतलब बिना सोचे समझे हम फॉरवर्ड कर देते हैं, हमारे सामने आया तो तुरंत हमने दबा दिया। कम से कम दिमाग है। अभी कल ही आर्टिकल कहीं पढ़ रहा था मैं कि भारत के आपके 80-90% लोगों को दूसरा आदमी चला रहा है, यानी कि उनके पास अपनी सोच नहीं है, दूसरे की सोच पर वो लोग चल रहे हैं। किसी ने कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा आया तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। केरल को आप देख रहे हैं, केरल हर मामले में हमसे आगे है क्योंकि हम जैसे बेवकूफ नहीं है उस राज्य में। वो सरकार से पूछते हैं, जब हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छिड़ा हुआ था उसी समय आपका केरल में स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था पर बात छिड़ी हुई थी, समझ रहे हैं? भुगतना हमको ही पड़ेगा। आज हम लोग हाँ में हाँ भर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भुगतेंगे, इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तो आपको अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार का। अभी कोई वैक्सीन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई, हजारों ट्रायल चल रहे हैं और पूरे देश लगे हुए हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जो छूटा हो इससे। योग दर्शन, योग दर्शन हिंदू धर्म के 6 प्रमुख रूढ़िवादी दर्शनों में से एक है। प्राचीन मध्यकालीन और सबसे आधुनिक साहित्य अक्सर योग के रूप में हिंदू धर्म के योग दर्शन का दर्शन को संदर्भित करता है। यह हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन से निकटता से संबंधित है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए योग दर्शन के व्यवस्थित अध्ययन ने भारतीय दर्शन के अन्य सभी धाराओं को प्रभावित किया है। एक बात आप लोग समझ सकते हैं, पतंजलि का योग सूत्र हिंदू धर्म के योग विद्यालय का एक प्रमुख ग्रंथ है। हम लोग हिंदू हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हम भगवान राम को मानते हैं हम लोग, इसमें कोई दोहरा नहीं है आप लोगों की। लेकिन आप सोचिए कि जिस तरह से व्यापारी हमारे रामदेव बाबा साहब बन चुके हैं, क्या भगवान इस जगह होते तो क्या वो भी बनते? वो भी ये कहते 500 से 600 की ये दवाई बेची जा रही है। तो एक बात आप नॉर्मल सोचिए कि इस मार में इस समय हमारी अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत हो चुकी है। विदेशियों को दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने देश के लिए तो आप रेट कम कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तुम कोई भी धंधा करते हो, तुम धंधे बना देते हो उसे, उसमें आप किसी का भला नहीं देखते हो, आप उसे व्यापार करने लगे हो। इसी तरह मुझे लगता है कि अब बाबा साहब के सामने से बाबा नाम हटा के व्यापारी रख देना चाहिए, इसमें दोहरा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हिंदू या फिर भगवान श्री राम के रास्तों पर चलने में मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई चल पा रहा हो। कभी आप लोग देखिए भागवत को, रामायण को, अगर आप भागवत और रामायण दो ग्रंथ पढ़ लिए तो मुझे लगता है आधी जिंदगी की सच्चाई जान जाएंगे और जिंदगी क्या होती है उसके बारे में भी जान जाएंगे। हिंदू दर्शन का योग विद्यालय सांख्य विद्यालय से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। दोनों में मूलभूत अवधारणाओं में दो वास्तविकताएं शामिल हैं, पुरुष और प्राकृत। पुरुष को उस वास्तविकता के रूप में परिभाषित किया गया है जो शुद्ध चेतना और विचारों या फिर गुणों से रहित है। प्राकृत एक अनुभवजन्य अभूतपूर्व वास्तविकता जिसमें पदार्थ और मस्तिष्क, संवेदी अंग और पहचान की भावना, आत्म और आत्मा भी शामिल है। एक जीवित प्राणी दोनों स्कूलों में पदार्थ और मन के मिलन को आयोजित करता है। योग विद्यालय अपने विचारों के आधार पर पुरुषवाद के सिद्धांत पर, स्वयं सिद्ध विज्ञान पर और आत्मज्ञान पर अलग अलग है। मोक्ष प्राप्त करने के प्रमुख चरण आत्मा की मुक्ति, यम स्वयं को नियंत्रित करना, नियम जीवन के नियम, प्रत्याहार पदार्थ चुनना, धरना मन की एकाग्रता, ध्यान पदार्थ पर मन की एकाग्रता, समाधि मोक्ष आत्मा की मुक्ति। आयुर्वेद, भारत में प्रसिद्धि के कई दावों में आयुर्वेद के रूप में जाना जाने वाला प्राचीन चिकित्सा विज्ञान संस्कृत के शब्द आयुर् या फिर जीवन और वेद विज्ञान से है। यह एक चिकित्सा पद्धति है जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दवाओं के रूप में जड़ी बूटियों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक चिकित्सा की
5000 साल पुरानी प्रणाली भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में उत्पन्न हुई। विदेशी कब्जे के वर्षों के दौरान इसे दबा दिया गया, लेकिन इसकी चिकित्सा पद्धतियां अपनी मूल भूमि और दुनिया भर में पुनरुत्थान का आनंद ले रही हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा, जब डिलीवरी होती है, किसी भी महिला का बच्चा होता है, तो 90-95% अपने आप, कोई चीट फाड़ की जरूरत नहीं पड़ती ऑपरेशन की, अपने आप हो जाते हैं। लेकिन इस समय आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर के पास आप गए लेकर, उसने बोला सॉरी, इतना बोला सॉरी और कंडीशन ख़राब है, तो आप कहते हैं कि कुछ भी करिए, बचाइए बचाइए, तो वो चीट फाड़ कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। तो यही हाल है दवाओं का कि गांव में आप डॉक्टर देखते हैं, उन्होंने दिया, डॉक्टर लिख दी दवा, कुछ दवाई ऐसी होती है कि आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उनका, यानी कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो बुखार की दवाई सर्दी में दे दी, सर्दी की दवाई बुखार में दे दी, अब उससे नुकसान भी नहीं होगा, आपकी सर्दी 5-6 दिन में वैसे भी ठीक हो जाएगी, और मालूम चला कि डॉक्टर साहब की दवाई से ठीक हो गया। अभी कभी कुछ ही दिन पहले मैं देख रहा था कहीं कि वो मलेरिया का इंजेक्शन जिसे मलेरिया हुआ है उसे भी दे दिया, जिसे नहीं हुआ है उसे भी दे दिया। कई एक जगह किसी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा हुआ था। तो थोड़ा अपने दिमाग से भी सोचा करिएगा, वरना हम में और उस कुत्ते में क्या फर्क पड़ रहा रह जाएगा हम लोगों में, कि वो भी तो बिना सोचे चलता रहता है, एक हड्डी दिखाई आपने उसे के पीछे भागता रहता है। अगर हमारी सोच, अपनी कोई सोच नहीं है, तो शायद जीने का कोई मतलब नहीं हमारा। आज हम 70 साल से अगर किसी को आंख बंद के वोट कर रहे हैं, तो यही तो कारण है बर्बादी का, देश को धकेलने का। हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, वोट दे देते हैं, उसने दो बातें कही, हमने तुरंत थप्पड़ ठोक दिया उसके नाम पर। अगर हम शुरू से आज तक चिल्लाते कि हमें शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, तो कौन कहता है नहीं ना मिलते, मिलते जबरदस्ती मिलते। लेकिन हम में से अधिकतर सोचते हैं चलिए कट रही है जिंदगी, कटने दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग, यही हाल है। प्रारंभिक यूनानी चिकित्सा ने मूल रूप से हजारों साल पुराने शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित कई अवधारणाओं को अपनाया। पारंपरिक तिब्बती और चीनी दवा की जड़ें भी आयुर्वेद में हैं। समय के साथ आयुर्वेद जीवन, शरीर, मन और आत्मा को शामिल करने का विज्ञान बन गया है। यह माना जाता है कि ज्ञान के शरीर को मूल रूप से भगवान द्वारा ऋषियों और दृष्टाओं तक पहुंचाया गया था, जो अपनी अंतर्दृष्टि, अंतर्विज्ञान और मानव व्यवहार के बारे में गहरी जानकारी रखने वाले योगी थे। उन्होंने अपना ज्ञान अपने शिष्यों को सौंप दिया। आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य किसी व्यक्ति के संतुलन की आदर्श स्थिति की पहचान करना और शरीर के संतुलन को बहाल करने के लिए आहार, जड़ी बूटियों, संगीत और मालिश, उपचार और ध्यान का उपयोग करके समाधान प्रदान करना है। बात करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्रमुख अवधारणाएं। आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्रमुख अवधारणाएं लोगों, उनके स्वास्थ्य और ब्रह्मांड, शरीर के संविधान और जीवन बलों के बीच सार्वभौमिक अंतर संबंधों पर आधारित है, जिनकी तुलना अक्सर प्राचीन यूनानी प्रणाली से की जाती है। इन अवधारणाओं का उपयोग करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सक व्यक्तिकृत उपचार करते हैं, जिसमें जीवन शैली की सिफारिशों के साथ जड़ी बूटियां, आहार और व्यायाम शामिल होते हैं। अधिकांश भारतीय आबादी आज आयुर्वेदिक चिकित्सा का उपयोग करती है, जो पारंपरिक पश्चिमी चिकित्सा के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भी विचलित है। आयुर्वेद का ज्ञान और अभ्यास प्राचीन ग्रंथों से वर्णित है, जिसमें चरक संहिता सामान्य चिकित्सा पर एक लिखित एक ग्रंथ है। यह हिंदू पवित्र ग्रंथों वेदों की एक बड़ी संग्रह को संदर्भित करता है। वैदिक दर्शन में मानव प्रकृति का हिस्सा है और पशु और पौधे अन्योन्याश्रित हैं और ब्रह्मांड और मानव के बीच एक अंतर्निहित संबंध है। जानवरों के साम्राज्य के विपरीत मनुष्य एक अधिक जटिल प्राकृतिक दुनिया में रहते हैं, जहां वे लगातार मौसम, आहार, काम, समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की जैसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तनों के संपर्क में रहते हैं। यह माना जाता है कि ये ताकतें
लोगों के मन, शरीर और आत्मा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। आयुर्वेद के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की तीन शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, वात, वायु और ईथर, जो हमें गति और गतिविधि देते हैं, पित्त या फिर आग और पानी गर्मी, भूख और पाचन के लिए जिम्मेदार है, और कपा यानी पित्त या पृथ्वी और पानी पानी और शारीरिक तरल पदार्थ के लिए जिम्मेदार है। जब ये राज्य सही संतुलन में होते हैं ये सभी कारक, तो व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। किसी भी असंतुलन के कारण बीमारी होती है। आयुर्वेद समग्र उपचार के माध्यम से असंतुलन को दूर करना चाहता है। व्यक्ति को समझना ही जीवन की नींव है। जड़ी बूटियां बूटी आयुर्वेदिक चिकित्सा का दिल है। पेड़ों के फूलों, जड़ों, तनों और पत्तियों को उनकी इष्टतम क्षमता को छोड़ने के लिए विभिन्न रूपों में संसाधित किया जाता है। शास्त्रों में 15,000 से अधिक जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से केवल 900 का उपयोग आमतौर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। नीम सभी बीमारियों को खाड़ी में रखने और शरीर के प्राकृतिक रक्षा तंत्र का समर्थन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटी। अदरक, आंवला, अश्वगंधा, हल्दी दूसरों के बीच इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में ऑस्ट्रिया में प्राकृतिक संसाधनों और जीवन विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया कि करक्यूमिन हल्दी के पौधे से प्राप्त एक यौगिक है, जिसे आमतौर पर भारतीय करी में उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं के विकास को रोकता है, अतः कैंसर की कोशिकाओं को मारता है। आयुर्वेदिक साहित्य और जागरूकता। आयुर्वेदिक दीर्घायु की विज्ञान है। भारत में इसकी उत्पत्ति के बाद से यह हमारे समाज का एक अभिन्न अंग भी बन गया है, और यह लोगों को सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान कैसे होना चाहिए। कई आयुर्वेदिक प्रथाओं में उल्लिखित रिकॉर्डों की भविष्यवाणी की जाती है। उन्हें मोयसे शब्द द्वारा वकालत की जाती है। महान त्रयी के रूप में जाने जाने वाले तीन प्राचीन पुस्तकें चरक संहिता, सुषुप्त संहिता और अष्टांग हृदय 2000 से अधिक साल पहले संस्कृत में लिखी गई आयुर्वेदिक चिकित्सा का मुख्य ग्रंथ मानी जाती है। ऐतिहासिक जड़ों से पता चलता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा ने चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किए हैं। सुषुप्त संहिता आयुर्वेदिक सामान्य चिकित्सा में 9 शाखाओं की चर्चा करती है। सर्जरी, कान, नाक, गले के रोग, विश्व विज्ञान, मनोरोग, बाल रोग, स्त्री रोग, सेक्सोलॉजी और पुरुष। एक ग्रंथ प्राचीन प्राकृतिक उपचारकर्ताओं को बताते हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी में देरी की। इस इतिहास पर आकर्षित कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों उत्पादकों ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुरक्षित और प्रभावी हर्बल उत्पाद विकसित किए। आयुर्वेदिक साहित्य धीमी और स्थिर दौड़ जीतता है। अधिकांश लोगों को पता चलता है कि दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक जीवन शैली शुरू करने के लिए आहार सबसे अच्छी जगह हुआ करती थी। चलिए, तो ये कहानी थी आयुर्वेदिक की। एक बात यहाँ बोलूंगा, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी का भक्त भी नहीं हूँ, ठीक है। अब आप में से कई लोगों को इसमें आर्टिकल में खेत बुरा लगा होगा, क्योंकि अगर आप बाबा रामदेव साहब के भक्त हैं या फिर किसी के भी भक्त हैं आप, और उसके बारे में हम कुछ भी बोलते हैं, कोई भी कुछ बोलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बुरा लगता है। तो भक्त मत बनिए, थोड़ी समझदारी दिखाइए। और कभी किसी का भक्त भगवान के सिवा किसी का, मुझे नहीं लगता है किसी के पैरों में गिरने की जरूरत है आपको। भगवान के पैरों में रहिए और भगवान की आशा रखिए उन्हीं से, बाकी आपके लिए सब ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आपको भक्ति करनी है तो करिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, क्यों किया है? क्योंकि उसके उसकी वफादारी थी, यानी कि उसके प्रति आपकी अंधभक्ति थी, समझ रहे हैं? इसी चक्कर में आप लोगों से 70 साल से वोट देते आए हैं। कई देशों को तुलना करिए, पाकिस्तान को छोड़िए, चाइना को छोड़िए, अपने पड़ोसियों को छोड़िए, कई अन्य देशों से तुलना करिए, आपसे बेहतर हैं, आपसे सोच विकसित है उन लोगों की। आप क्या हिंदू मुस्लिम को मुद्दा आज से 70 साल से चल रहा है और अभी भी चल रहा है? गरीबी का मुद्दा अभी भी चल रहा है,
1947 में भी चलता था। समझ रहे हैं, इसमें नेताओं की गलती नहीं, मुझे लगता है हमारी खुद गलती है, क्योंकि हम खुद नहीं सुधरना चाहते तो वो क्या सुधारेंगे। चलिए करते रहिए भक्ति, अगर आपको भक्ति ही पसंद है तो उसमें खुश रहिए।